सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी यार। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं काम किया था, कोई भी मैंने शूट नहीं किया था बिल्कुल भी। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी तो मेरा दिल नहीं किया कुछ भी शूट करने को। मैंने बस नहा लिया और नहाने के बाद शावर ले लिया। शावर लेने के बाद मैं आपको आपसे मैंने थोड़ी सी एक ज़रूरी बात करनी थी तो सोचा मैं आपसे बात कर लूँ। तो बात करने से पहले मैं आपको अपना ड्रेस दिखा देती हूँ कि मैंने आज कौन सा ड्रेस पहना है। ये मेरा ब्लू कलर का ड्रेस है। वैसे मुझे ब्लू कलर अपने पर पर्सनली अच्छा नहीं लगता। मैंने मेरे वार्डरोब में सिर्फ ये वाहिद एक ब्लू कलर का ड्रेस है, इसके अलावा और कोई भी ब्लू ड्रेस नहीं है मेरे पास। तो ये मुझे कहीं से गिफ्ट मिला था तो इसलिए फिर मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकी थी कि मैं इनको उन्होंने इतने प्यार से मुझे गिफ्ट दिया था। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे ये बनाना है, मैंने पहनना है, तो मैंने ये स्टिच कर लिया। मैंने खुद ही स्टिच किया। इसके बाजू पे एक बड़े से मोटिव लगे हुए हैं दोनों साइड पे, और नेक पे इसके बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था। नेक मैंने इसका खुद डिज़ाइन किया था लूप्स लगा के, और आगे मैंने बटन से अटैच कर दिए थे। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, इसका दामन दिखाती हूँ और इसका जो ट्राउज़र है वो भी दिखाती हूँ कि वो कैसे का बना हुआ है। ये ऊपर टिश्यू का पैच बना हुआ है, ये उन्होंने ड्रेस के साथ ही दिया था। जैसे बाजू के मोटिव दिए थे यहाँ पे जो ऊपर मैंने लगाए हैं ये वाले, ये भी टिश्यू के ऊपर इनका वर्क हुआ हुआ है, तिल्ले का काम है और साथ में एम्ब्रॉयडरी हुई है, तो ये भी उन्होंने साथ ही दी थी। और ये जो दामन है ये भी साथ मिला था। यहाँ पे पूरी शर्ट के ऊपर तिल्ले का काम हुआ है, तिल्ले का काम करके तो उसको साथ उन्होंने बॉर्डर अटैच कर दिए थे। ये मैंने खुद स्टिच किया है। और इसका जो ट्राउज़र है वो मैंने इस तरीके का बना लिया है। साइड पे मैंने इसके लूप्स बना लिए, लूप्स बना के मैंने इधर बटन लगा लिए। ये यहाँ पे है ऐसे ऐसे, ये वाला डिज़ाइन है। लूप्स बना लिए, लूप्स बना के मैंने बटन अटैच कर दिए। सेम इस तरफ का भी ऐसे ही है। पीछे होके दिखाती हूँ आपको, ये देखें यहाँ पे भी मैंने ऐसे लुप्स लगा लिए थे। लुप्स लगा के मैंने यहाँ पे बटन अटैच कर लिए, तो ये जो मेरी ड्रेसिंग है वो कंप्लीट हो गई। मैंने आपके साथ एक बहुत ही ख़ास बात शेयर करनी थी। आज का जो मेरी वीडियो है वो किसी व्लॉग से रिलेटेड नहीं है, कोई भी यार मैं आपके साथ व्लॉग नहीं शेयर कर रही। जस्ट मैंने आपसे एक बात ही करनी थी, तो इसके लिए सोचा कि मैं आज पहले आपसे बात कर लूँ। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि हर मेरी आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक मेरा यही है कि मैंने आपसे बस यही बात करनी थी। कोई यूट्यूब पे अपना एक चैनल लेकर, अपने आप को एक टास्क लेकर बैठा हुआ है कि अपनी मेहनत कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, अपना कंटेंट अच्छे से अच्छा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ताकि ऑडियंस को पसंद आ जाए और ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ जुड़ सके। तो इसी तरीके से मैं नहीं, हर बंदा मेहनत कर रहा है। हर बंदा एक की अपनी अपनी कैटेगरी है, जिसकी जो कैटेगरी है वो उस हिसाब से ही एफर्ट कर रहा है। एफर्ट तो हर काम में ही करनी पड़ती है, जाहिर बात है। कोई भी काम आपकी एफर्ट के बगैर आपको कामयाबी उस काम से नहीं मिलेगी। तो ये नहीं कि हर कोई, वो मेरा आज आपसे बात करने का मेन पर्पस यही है कि मैं भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, लेकिन उस हिसाब से जो मेरे चैनल की ग्रोथ है वो नहीं हो रही, मेरे वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रहे। अल्हम्दुलिल्लाह सब्सक्राइबर तो मेरे माशाल्लाह से अच्छे चल रहे हैं, लेकिन व्यूज़ उस हिसाब से नहीं आ रहे। कुछ लोग होते हैं जो मेरी वीडियो पर आते हैं ज़रूर हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको टाइम देते हैं। टाइम देने के बाद वो या तो वो सिर्फ कमेंट करने के लिए ही आते हैं, कमेंट करते हैं वापस हो जाते हैं, या फिर बस देखते हैं और 1 से 2 मिनट देखेंगे और वापस बैक हो जाते हैं। तो ऐसा ना किया करें। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल पे आना है, मेरी वीडियोस पे आना है, अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ रिलेट लगता है या मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो पर आएं और मेरी वीडियो को फुल देखा करें। आधी देख कर छोड़ कर ना चले जाया करें। मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है कि मेरे चैनल पर जो भी न्यू कमेंट आते हैं, जो तो मेरे चैनल के साथ न्यू फर्स्ट डे से जुड़े हुए हैं, वो तो मुझे पता है, वो तो मेरे पक्के सब्सक्राइबर भी हैं और मुझे फुल व्यू भी उनकी तरफ से मिलता है, फुल वॉच टाइम मुझे मिलता है, वो मेरी वीडियो को फुल देखते हैं। लेकिन जो न्यू आ रहे होते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में, उनके मैसेज आ रहे होते हैं, तो मेरी पहली कोशिश यही होती है कि मैं उनके चैनल पर जाकर उनको एक अच्छा सा कमेंट करूँ और उनकी उस वीडियो को मुकम्मल देखूँ। तो इसलिए मेरी आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरी वीडियो देखते हैं और कमेंट नहीं करते तो प्लीज़ आप कमेंट छोड़ जाए करें ताकि मैं भी आपकी वीडियो पे आ सकूं। मुझे पता लगे कि आपने मुझे कमेंट किया, आपने मेरी वीडियो देखी है और मैं अपनी तरफ से आपको फुल सपोर्ट दे सकूं जितनी मैं कर सकती हूं। तो ये मेरी फुल कोशिश होती है कि जो भी मेरी वीडियो पे आता है, चाहे वो
किस भी कैटेगरी का है, अगर वो मेरी वीडियो पर आके मुझे कमेंट दे के जाते हैं, और पता नहीं वो मेरी वीडियो को फुल देखते हैं या नहीं देखते, और हाफ देखते हैं या कुछ थोड़ी से देख के चले जाते हैं या पूरी देखते हैं, अगर तो वो पूरी देखते हैं तो उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और अगर वो पूरी नहीं देखते तो उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, छोड़ के ना जाया करें वीडियो को, इससे बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है। और मेरी अपनी पर्सनली मेरी यही कोशिश होती है कि जब भी कोई मेरी वीडियो पर आता है, मुझे कमेंट करता है मेरे कमेंट सेक्शन में, मैं आगे वापस उसके चैनल पे जाती हूँ, जाके उसको भी कमेंट करती हूँ, अच्छे से कमेंट करती हूँ, कमेंट करके और उनकी उस वीडियो को पूरा देखती हूँ। पूरा देखने के बाद मैं उनके चैनल को सब्सक्राइब करती हूँ, सब्सक्राइब करके फिर मैं वापस आती हूँ। तो इस तरह हम करेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। बस ये नहीं आपने करना कि आपने फॉर्मेलिटी पूरी करनी है कि मैं आपके चैनल पे गई, आपने जाके मैंने उधर कमेंट कर दिया ताकि आपको पता लगे कि मैंने आपकी वीडियो देख ली है, भले मैं देखूँ ना, मैं एक दो सेकंड के लिए देखूँ और वापस आ जाऊँ, तो इट्स नॉट फेयर, ये बहुत बुरी बात होती है। तो अगर आप किसी के साथ किसी को देख रहे हैं तो आप दिल से देखें ना, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप दिल से देखें, अगर आपको उसकी वीडियो अच्छी नहीं लग रही है तो आप बेशक ना देखें, आप उसको स्किप करके आगे चले जाएँ, ज़रूरत नहीं है आपको देखने की। तो मेरी बातें, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी, मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, और काफ़ी हद तक आपने भी मेरी बातों को खुद से रिलेट किया होगा, क्योंकि अक्सर ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं ऐसा हो रहा, अक्सर यूट्यूबर्स जो छोटे यूट्यूबर्स हैं हम जैसे, क्योंकि मैं अभी न्यूली यूट्यूबर, मैं अपने आप को छोटा यूट्यूबर ही कहूँगी, तो जो मेरे जैसे छोटे यूट्यूबर हैं उनके साथ तकरीबन ऐसा ही काम हो रहा है कि जैसे मैं आपको बयान कर चुकी हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हो नई वीडियो में आपके साथ, ओके, अल्लाह हाफिज़।